दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्योविज चैनल और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं टेक्योविज, जहां मैं अनफोल्ड करता हूं टेक्नोलॉजी की दुनिया की हर स्टोरी आपकी विश पर। दोस्तों जियो के टेलीकॉम मार्केट में आने से टेलीकॉम मार्केट में तहलका मच गया और पहले से अवेलेबल कंपनियां लाइक वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, इन सभी को मजबूर होना पड़ा अपनी प्राइसिंग को कम करने के लिए। तो जहां पहले हम 1 GB इंटरनेट के लिए देते थे 250 से 300 रुपए, वहीं आज 250 से 300 रुपए में हमें मिलता है 28 GB 28 दिनों के लिए और साथ में मिलती है फ्री कॉलिंग अनलिमिटेड लोकल एंड STD। तो दोस्तों जियो के आने से एट द एंड ऑफ द डे फायदा जो हुआ वो हुआ कस्टमर्स का। लेकिन अब रिसेंट एक न्यूज नई आई है, उसके हिसाब से जियो एक नई सर्विस लॉन्च करने वाला है जो ला देगा तहलका बाजार में। तो क्या है वो सर्विस, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं और आप मिलकर अनफोल्ड करते हैं ये स्टोरी। हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज पब्लिश हुई है जिसके हिसाब से जियो मुंबई में अपनी फाइबर टू होम ब्रॉडबैंड सर्विस की टेस्टिंग कर रहा है। ये टेस्टिंग अभी वो अपने एम्प्लॉइज पर कर रहा है, जैसा कि उसने जियो की सिम के साथ किया था। इसके बाद खबर है कि जल्दी ही ये कुछ और कस्टमर्स के लिए ओपन होने वाली है इसकी टेस्टिंग। तो हो सकता है कि आप सभी को मिल जाए कोई वेलकम ऑफर, कोई प्रीव्यू ऑफर, कोई समर सरप्राइज ऑफर या फिर धन धनाधन ऑफर, जिसमें आपको मिल जाए 3 महीने के लिए फ्री टेस्टिंग इस जियो फाइबर नेट की। जियो फाइबर नेट एक वायर्ड इंटरनेट है, जैसा कि आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, पर जो दावा किया जा रहा है उसके हिसाब से इसकी स्पीड होने वाली है 100 Mbps और जो प्लान लीक होकर आ रहे हैं उसके हिसाब से जियो देने वाला है आपको 500 रुपए में 100 GB डेटा, वो भी 100 Mbps की स्पीड पर। जी हाँ, आपने सही सुना, 100 GB डेटा 100 Mbps की स्पीड पर। अगर करेंट सिनेरियो में इसका कंपेरिजन करें तो ये जो है इसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग आधी है और जो स्पीड है वो 2 से 3 गुना ज्यादा है और जो डेटा आपको मिलता है वो भी 2 से 3 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों इस प्लान के आ जाने से ब्रॉडबैंड की दुनिया में भी क्रांति आएगी, जो वायर्ड इंटरनेट की तरफ लोगों का जो झुकाव कम हुआ है वो बढ़ने वाला है और जो कंपनियां हैं उन्हें अपने प्राइसिंग को कम करने पे मजबूर होना पड़ेगा और सबसे एंड में फायदा होने वाला है कस्टमर्स का। तो कब आएगी ये सर्विस, इसके बारे में मैं जरूर से आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल की अपडेट ये है कि दिवाली तक इस सर्विस को लॉन्च किया जा सकता है। जब भी ये सर्विस लॉन्च होगी आपके लिए वीडियो बना के जरूर मैं अपडेट कर दूंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कोई टेक्निकल क्वेरी को सॉल्व करूं तो कमेंट में मुझे बताइएगा, तो उसके बाद मैं जरूर से उस स्टोरी को अनफोल्ड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।